विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जल जीवन मिशन योजना को लेकर कांग्रेस पर जमकर गरजे। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन चोरों ने जनता को लूटने का काम किया है उनके लिए अभी ईडी भी आई है और अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई भी आएगी। सेक्रेटरी के द्वारा टास्क फोर्स करना के इन चोरों को जिन्होंने चोरी की है ईडी भी आएगी, एसीबी भी किया, मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे। और जिन उन्होंने हमला करते हुए कहा कि इन चोरों को जेल में भी डाला जाएगा। कैबिनेट मंत्री के इस बयान से विधानसभा में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर शेम शेम के नारे लगाए। ईडी आई तो सीबीआई भी आएगी, पैसे लेकर भी पानी नहीं पिलाया, कांग्रेस के विधायकों ने किया हो हल्ला, मंत्री ने कांग्रेस को लिया जमकर आड़े हाथों। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जनता को जितना लूटने का काम किया है उतना शायद आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं लूटा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से राजस्थान देश में 33वें स्थान पर है। इस दौरान बीजेपी के विधायकों ने शेम शेम के जमकर नारे लगाए। मंत्री चौधरी के बयान पर कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हो हल्ला किया। सदन के दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस विधायक जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस पर मंत्री कन्हैयालाल ने गरजते हुए कांग्रेसी विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो पाप किया है उसे सुनना पड़ेगा और उसे सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोग तो पैसे देकर प्याऊ लगाते हैं लेकिन इन लोगों ने गरीबों से पैसे लेकर भी पानी नहीं पिलाया, यह सब इनका पाप है। अपना पुण्य करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जनता का पैसे को इतना लूटा है कि आज इस जगह पे इन चोरों को जिन्होंने चोरी किया ईडी भी आएगी, एसीबी भी किया, मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे। और जिन ठेकेदारों ने घोटाला किया उनको ब्लैकलिस्ट करके उनसे रिकवरी करेंगे। आपको सदन का आश्वासन कर देंगे इसको सुधार के रखेंगे।